अभी हमारी हरी मिर्च है, ओ माई गॉड वी आई पी, गाजर ऐड करेंगे, ओ माई गॉड, और ये अदा भुन जाएगा ना, फिर डालेंगे। देखेंगे लुक इज द वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं किंग शेफ शाइजर जो जो जहाँ जहाँ मुझे देख रहा, मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी सिखा रहा हूँ, ईरानी कढ़ाई बनाना, बहुत कम चीज़ों में और बेहतरीन बनती। तो चले आए आधा किलो चिकन की ईरानी कढ़ाई बनाना। सही जी, बिस्मिल्लाह। ईरानी कढ़ाई बनाने के लिए हमने देखें चिकन ले लिया, मिक्स ले लें आप बोनलेस, और दूसरा ले लें रान का और सीने का, आधा किलो हमने ये ले लिया। अच्छा जी, एक बड़ी गाजर लेंगे, उसको बारीक चॉप कर लेंगे, एक टुकड़ा इतना बड़ा अदरक का उसको बारीक चॉप कर लिया, 4 से 5 अदरक या जितनी आपको पसंद है, 6 तक ले सकते हैं, 6 छोटी वाली हरी मिर्चें लेके 2 टुकड़ों में कर लिया उसको बीच में, एक छोटा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, देखें एक छोटा प्याज, तकरीबन 4 टेबलस्पून दही, एक पॉट टमाटर 200 में तकसीम कर लिया, और थोड़ा सा हरा धनिया। सही, ये हो गए हमारे ग्रीन मसाले। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, 1 टीस्पून एंड हाफ कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून एंड हाफ कुटा हुआ धनिया, थोड़ा भून लीजिएगा। सही, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा जीरा भुना हुआ, मोटा मोटा पिसा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च है। तो बहुत आसान, जल्दी बनने वाली, बड़ी वीआईपी, बड़ी मज़ेदार। तो चले आए बनाते हैं ईरानी चिकन कढ़ाई। ऑयल डाला और इसके अंदर हमने डाल दिया चिकन। अच्छा जी, रान जो हो उसको कट लगा लिया, जो देखिए मैंने कट लगाए हुए नजर आ रहे होंगे आपको, इससे ये होता है कि रान के अंदर जो खून होता है ना वो निकल जाता है और रान अंदर तक बेकिंग हो जाती है। कई दफ़ा आप लोग खाते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर खून होता है, तो वो इसीलिए होता है कि हम लोग कट नहीं लगाते। इसको 1 से 3-4 मिनट ऐसे भूने, हमने इसमें हल्दी डाल देनी है हाफ टी स्पून, डालने के बाद उसको थोड़ी देर हमने ऊपर से ढक देना। सही जी, हमने 2 से 3 मिनट इसको ढक के रख दिया। अब क्या करना है, अब हमने ये जो टमाटर उस टाइप से उसको आप करिएगा, ये आ गया हमारा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 कप पानी तो मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसी टाइम हमने 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, तमाम चीजें हो गई, सिर्फ हमारी काली मिर्च रह गई और मेथी वो आखिर में जाएगी। अब इसको हमने मिक्स करना, सही जी, अब हमने इसको ढक देना दरमियानी आंच पे 4 से 5 मिनट इसको पकने दें। सही जी, बिस्मिल्लाह, हमने इसको 4 से 5 मिनट देखें, बिल्कुल इसके टमाटर का छिलका उतार दिया था हमने ऊपर से, जो बच गया उसको आपने यूं करके उतार दें। थोड़ी सी किलो आँच करेंगे, सही है, इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डलती क्योंकि आपको पता है ईरानी गोरे गोरे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, छोटे छोटे कदों वाले होते हैं, तो वो लाल मिर्चें नहीं खाते, तभी वो गोरे गोरे रहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी गोरे गोरे रहने के लिए लाल मिर्चों से परहेज करें, एक तो पेट की बीमारियां नहीं होती, लाल मिर्चें जो खाते हैं आपको पता बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं। सही, अब हमने इसके अंदर क्या डालना सी, अब हमने इसके अंदर डालना ये काली मिर्चें
हाफ टी स्पून चिकन पाउडर माय फेवरेट, हाफ टी स्पून, वन टी स्पून भी डाल सकते हैं आप। ये आ गया दही, ऐसे डाल दें, फेंटने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको खुद फेंट लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी आंच तेज करें। अभी हमारी हरी मिर्च है, ओ माय गॉड वीआईपी, ये जो फ्लेवर निकालेंगे ना ताकि सब फेल है इसके आगे। ये आ गया हमारा मेथी, कसूरी मेथी, बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना होगा आपने, कसूर में बहुत बड़ी हस्ती है, वहाँ पे मेथी बड़ी मशहूर है। अच्छा, इसी दौरान हमने गाजर ऐड करेंगे, ओ माय गॉड, और ये अदरक। अच्छा जी, ये जो धनिया है वो जब भी हमारा बुन जाएगा ना खुल जाएगा, देखेंगे लुक इज द वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल न्यू रेसिपी। तो इसको भूने अच्छी तरह, भूनने के बाद ये हरा धनिया, ओ माय गॉड, अगर आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो इस टाइम आप एक आधा नींबू का रस वो भी मिला। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा वो हो गया तो ये थोड़ा सा पानी उसमें मिलाएंगे ताकि गाजरें भी अच्छी तरह हो जाए और जो मसाला है हमारा जलने से बचे। इससे ये कि गाजर हमारी थोड़ी तौर पे अपनी शक्ल नरम ले आएगी, बेहतरीन हो जाएगी, क्रंची भी रहेगी और नरम भी रहेगी। जी बिस्मिल्लाह, देखें हमारी तैयार हो गई है कढ़ाई, बेहतरीन ईरानी कढ़ाई। अभी हम इसको निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी अब हम इसको देखें, ऐसी प्यारी सी कढ़ाई ले लें, उसके अंदर इसको निकालें, बहुत वीआईपी बनेगी, आप बनाएं इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। 5 से 6 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं, अगर शरीफ लोग हुए, अगर जिन्नुमा हुए तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो एक ही बंदे के लिए काफ़ी। सही जी, हमारी ईरानी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब आपने हमारे चैनल पे आना है, किंग शेफ शाही जट जी, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 03150044, इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।